नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजय ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि सोने से चांदी का कीमत कम होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि चांदी के सही इस्तेमाल से आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं? इसीलिए इस विषय को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ये विषय पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा उम्मीद बरकरार रहे, और इस वीडियो को जितना हो सके आपके अपनों में शेयर करना ताकि आपके अपनों भी इस विषय को जान पाए और इसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को आसान बना पाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस करना ताकि इस चैनल का कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके और इसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने जिंदगी को आसान बना पाए। चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में विस्तार से। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का सूत्रानुजायी कहा जाता है चंद्रमा के साथ चांदी का एक जोग सूत्र है, और ये चांदी आपके जिंदगी को बदल सकते हैं। चांदी शरीर पे धारण करने से शरीर से बहुत सारे विष निकल जाता है, इसीलिए चांदी शरीर के लिए शुभ माना जाता है। अगर हम घर के बर्तन के रूप में चांदी को इस्तेमाल करते हैं तब भी हमें बहुत सारे शुभ फल मिलने वाला है। अगर आपके मन चंचल है तब आप जरूर चांदी के कोई भी गहना धारण कीजिए, आपके मन शांत होगा ही होगा। अब प्रश्न यही है कि कैसे आप चांदी को धारण करेंगे। कोई भी सोमवार या गुरुवार को आप दुकान से चांदी के अंगूठी या कोई भी गहना खरीदिए, उसके बाद उस गहना को उसी रात पे पूरा रात गंगा जल से डुबो के रखिए। अगले दिन सुबह नहा के वो गहना को ईश्वर के आसन पे रख दीजिए या हाथों पे लेके मन ही मन में आपको अपने खुद के इच्छाओं को दौड़ाना है। इसमें उस गहना पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उसके बाद उस गहने को या अंगूठी को चंदन काट के साथ एक साथ कुछ देर तक रखना है। इससे उस चांदी के गहने पर बहुत सारे शुभ शक्ति का संचार होगा। अगर ये चांदी के अंगूठी है तो पुरुष उस अंगूठी को दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पे, महिलाएं बाएं हाथों की कनिष्ठा उंगली पे पहन सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इससे आपके जीवन पे हर एक दिशा से शुभ फल लाभ होगा ही होगा। जिन लोगों के जन्म कुंडली पे चंद्रमा के अशुभ जोग है वो लोग जरूर इस प्रक्रिया को पालन करें। इससे जातक का मन की शांति मिलेगा, सर्दी जुखाम या आर्थराइटिस के जितने सारे समस्या है उससे भी राहत मिलता है। इस अंगूठी और गहना धारण करने से और चांदी के चम्मच से शहद लेने पर साइनस के समस्याएं भी नाश हो जाता है। चांदी के बर्तन से खाना खाने पर शरीर स्वस्थ रहता है। दोस्तों, आज हमने जाना चांदी के अपार गुण के संबंधी यावतीय तथ्य विस्तार से। दोस्तों, अगर आप में किसी को किसी भी प्रकार का परेशानी या समस्या है तब आप जितना जल्दी हो सके हमारे साथ संपर्क करने का कोशिश कीजिए, और अगर आप में भारतीय ज्योतिष के बारे में कोई भी प्रश्न है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे काम यानी कि पुराण ज्योतिष के हर एक सफलता के बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके हर एक टेस्टिमोनियल को पढ़ भी सकते हैं जो हमारे बहुत सारे ज्ञानी गुणी विद्वान दोस्तों द्वारा लिखा गया है पुराण ज्योतिष के बारे में। आज यही तक, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो पे भारतीय ज्योतिष के और एक चौंका देने वाले विषय के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आप सभी के लिए सुख शांति समृद्धि कामना करते हुए अभी आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। आप सभी खुश रहना, आपके अपनों को भी खुश रखना। नमस्कार।